स्पार्क नहीं चाहिए होता है, ठीक है वो अपने आप ही कंप्रेस होकर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो उसका सिस्टम शुरू होता है। हाँ जी, पेट्रोल टैंक से फ्यूल आता है। ठीक है, पेट्रोल फिल्टर में। हाँ जी, नहीं डीजल फिल्टर में बोलेंगे, ये डीजल फिल्टर है इसका। ठीक है, वहाँ से फिल्टर होकर आएगा इस पंप में। ठीक है, ये पंप ही उसको कंप्रेस करने में उसकी मदद करेगा, प्रेशर बनाएगा उसमें। हाँ जी, उसको भेजेगा ये फ्यूल रेल में। ठीक है, ये फ्यूल रेल है और ये है फ्यूल इंजेक्टर्स। ठीक है, तो चारों में ये इक्वल प्रेशर बना के रखेंगे। ये जो पंप है इतना प्रेशर बना के रखेगा, इसको कितने पाउंड का है मेरे को लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रेशर बनाएगा कब किस उसमें, जैसे चार सिलेंडर गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कब किस सिलेंडर में ब्लास्ट करना है वो प्रोग्रामिंग करता है ईसीएम। ठीक है, तो ईसीएम से ऑर्डर होगा इस इंजेक्टर को, भाई तो खुल खुल जाएगा तो जो फ्यूल है आपका वो पिस्टन के ऊपर जाके गिरेगा, वहाँ से पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा और एक कंप्रेशन पे आके अपना ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, फिर नंबर आएगा तीन को, फिर तीन को ऑर्डर होगा, फिर चार को ऑर्डर होगा, फिर दो को होगा। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर जो होगा इसका 1342 होगा, चार सिलेंडर गाड़ी का। और इसी तरह आपकी जो पावर फिर ट्रांसफर होगी गियर बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, ये इसका ऑयल फिल्टर है। अच्छा, वहाँ से ऑयल फिल्टर होगा, जो ऑयल दो तरह का काम करता है, ऑयल लुब्रिकेशन में भी काम करता है। हाँ जी, और कूलिंग भी देता है। ठीक है, उसके इंजन को, ये वाटर कूल्ड इंजन है ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारे गर्म इलाके हैं तो यहाँ पे वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। ठीक है, जहाँ बर्फीले इलाके हैं जैसे रशियन है, वहाँ पे एयर कूल्ड इंजन होते हैं। ठीक है, उसकी कूलिंग के लिए रेडिएटर लगाया है। ठीक है, ये होगा ताकि हमारा इंजन का टेम्परेचर मेंटेन होगा। ठीक है, ठीक है, डबल कवर लगा दो। थैंक यू। हाँ, ठीक है, ठीक है।